हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह. वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल बी टू जेआरएफ. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि है किसके लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ 2024, जो अभी जून में आपका नेट का एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करें. तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1. बाकी अगर होम साइंस से रिलेटेड किसी और भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे. जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये उसमें भी आपको हेल्प करेंगे. और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लास कैसी लगी. सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पे हमने दो टर्म पढ़े हैं, एक तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. दोनों का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दोनों हमारे जो सेक्स डिजायर हैं बच्चों में उससे रिलेटेड है. जो सेक्स डिजायर हैं उससे रिलेटेड है. तो इलेक्ट्रा टर्म है गर्ल्स के लिए और जो ऑडिपस टर्म है ये है बॉयज के लिए. तो यहाँ पे पूछना है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो ये बॉयज हैं, ये बॉयज में होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से होता क्या है. अब क्या है यहाँ पे, अब सेक्स डिजायर है मतलब अट्रैक्शन होगा अपोजिट सेक्स की तरफ, तो बॉय जो है वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स मदर. तो अब बॉयज अट्रैक्शन फॉर हिज मदर, तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज सेक्सुअल अर्ज री इमर्ज. जो सेक्सुअल अर्जेस हैं ये दोबारा से री इमर्ज कब होती है. री इमर्ज मतलब जो बच्चा जो डेवलप कर रहा है, बच्चे में स्टार्टिंग में सेक्सुअल अर्ज थी कौन सी, जब इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था. उसके बाद ये जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं ये डिप्रेस हो गई या डिमिनिस हो गई. उसके बाद से एक स्टेज आई जहाँ पे दोबारा से री इमर्ज हो रही है. तो जब ये सेक्सुअल अर्जेस दोबारा से री इमर्ज हो रही हैं तो वो कौन सी एज में होती हैं. और ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन दोनों हमने पढ़े, ये जो हमारी थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, साइकोसेक्सुअल थ्योरी या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दोनों क्वेश्चन उसी से हैं. तो सेक्सुअल अर्जेस री इमर्जेस एट द एज ऑफ 12+ ईयर. जब बच्चा 12+ ईयर वाली स्टेज में पहुंच जाता है तब बच्चे में दोबारा से सेक्सुअल अर्जेस जो है वो री इमर्ज होती हैं. जब ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की एज होती है तब बच्चे की एज वहां पे होती है 3 to 5 ईयर. इसके बाद क्या होता है, बच्चा प्री स्कूल एज में आया, उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, उसके फ्रेंड्स बने, पीयर सर्कल्स बने, तो वहां पे बच्चे में जो ये सेक्सुअल अर्जेस हैं ये डिमिनिश हो जाती हैं. उसके बाद 12+ ईयर, जब बच्चा 12+ ईयर का होता है उसमें सेक्सुअल अर्जेस दोबारा से री इमर्ज होने लगती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन इज पेड टू अ वर्कर. जो वर्कमैन कंपनसेशन है वर्कर को दिया जाता है, कब दिया जाता है. कंपनसेशन मतलब मुआवजा. मुआवजा क्या होता है, किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज देना या कोई सेटलमेंट करना, तो ये होता है मुआवजा. और जो वर्कर है उसको मुआवजा कब मिलता है, जब भी वर्कर अपनी जो वर्कर वर्किंग प्लेस है वहां पे उसको कोई इंजरी हो जाती है. ऑन अटेनिंग इंजरी एट वर्क, जब भी जो भी पर्सन काम कर रहा है उसने वर्क प्लेस पे अगर उसको कोई इंजरी होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए उसको कुछ दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कंपनसेशन. तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकर्स व्हेन अडल्ट मीट अ चाइल्ड्स बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल. जब अडल्ट जो हैं बच्चे की जो बेसिक नीड है सर्वाइवल के लिए उसको फुलफिल करते हैं या फुलफिल करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने में, तब एडल्ट और चाइल्ड में एक बॉन्ड बनता है या एक हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड क्रिएट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं. यहाँ पे जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है इरिक इरिक्सन की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और उसमें हमने टोटल 8 स्टेजेस पढ़ी हैं. तो उन 8 स्टेजेस में कौन सी वाली स्टेज है जिसमें जो एडल्ट है वो चाइल्ड की जो बेसिक नीड है सर्वाइवल के लिए उनको फुलफिल जब करता है तो कौन सी स्टेज डेवलपमेंट होता है या कौन सी स्टेज होती है. अब चाइल्ड है उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसको अगर उनके आसपास उनके पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं या जो भी हैं एडल्ट हैं वो उनको हेल्प कर रहे हैं उनकी नीड को
फुलफिल करने में, तो वो होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और ये हमारी फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और इस स्टेज का हमारी जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेज हैं हर एक स्टेज में इम्पोर्टेंट रोल है। जब बच्चा यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट समझने लगता है, इसके बाद जितनी भी उसकी डेवलपमेंटल स्टेज आ रही हैं उसको वो प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा। हर एक जगह पे बच्चे को ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट, कहाँ पे ट्रस्ट करना है, कहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना है, या जो भी कंडीशंस बच्चे के सामने आ रही हैं उन सबको फेस करने में जो हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाले स्टेज है ये हेल्प करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, बिगिंस ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें यहाँ पे हमें टास्क दे रखे हैं वॉकिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्राइंग या टूथ डेवलपमेंट। जो यहाँ पे ये टास्क दे रखे हैं तो ये कौन सा टास्क है जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज के टाइम पे डेवलप होता है? तो जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज के टाइम डेवलप होता है। क्राइंग एट अ टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे को क्राइंग आता है, जब बच्चा जब जन्म लेता है तब वो क्राइंग उसका हम बोल सकते हैं इनहेरेंट कैरेक्टर है। उसके बाद वॉकिंग, बच्चा विद इन अ ईयर चलना सीख जाता है। टूथ डेवलपमेंट, टूथ का डेवलपमेंट जो है वो 8 to 9 months से होने लगता है। अब हम बात कर रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, जो ह्यूमन है ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो किन किन चीजों से अफेक्ट करता है या प्रभावित होता है? तो ऑप्शंस क्या है, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो ह्यूमन है ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटरी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटरी मीन्स क्या है, जो बच्चे में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं या ह्यूमन में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं पेरेंट्स से वो जेनेटिक आ रहे हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स के साथ साथ और क्या है, इन्वायरमेंट, जो भी बच्चा है या ह्यूमन है उसके आसपास का ये इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट का भी प्रॉपर इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट में। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों चीजें डेवलपमेंट में अफेक्ट करती हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द टाइप ऑफ यूटिलिटी इज, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, तो इसमें से कौन सा यूटिलिटी का एक टाइप है? ये क्वेश्चन नेट में कई बार पूछा गया है, नेट के एग्जाम में। तो इनमें कौन सी, जो यहाँ पे कई सारी यूटिलिटी हमें दे रखे हैं टाइप्स, इनमें से कौन सा एक यूटिलिटी का टाइप है? जो तो डिमिनिशिंग यूटिलिटी है ये हमारी यूटिलिटी का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज कॉन्फ्लिक्ट इजी टू हैपन इन पीयर ग्रुप्स। जो पीयर ग्रुप्स हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी क्यों होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो एक पॉइंट ऑफ व्यू पे सभी लोग एग्री नहीं करते हैं या हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग अलग है। तो पीयर ग्रुप पहले क्या होता है, पीयर ग्रुप मतलब सेम एज के जो बच्चे हैं, सेम एज के जो चिल्ड्रेन हैं उनका फ्रेंड सर्कल, या कोई भी हम बात करें जो फ्रेंड सर्कल है उसको हम बोलते हैं पीयर ग्रुप। अब फ्रेंड सर्कल है मींस 4 to 6 पीपल होंगे वहां पे। अब 4 से 6 लोग हैं, इनका जब पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह पे या किसी एक बात पे सहमत नहीं होते हैं तब हम बोलेंगे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट इजिली क्यों होता है, बच्चों का ग्रुप है इजिली क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट? तो ऑप्शंस क्या है, चिल्ड्रन आर रूड, चिल्ड्रन वांट टू लीड द ग्रुप, चिल्ड्रन कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, चिल्ड्रन मे नॉट लिसन टू ईच अदर। तो यहाँ पे 4 से 6 लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनकी थिंकिंग अप्रोच अलग है, उनका जो नर्चर करने का तरीका है वो अलग है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल अलग है। तो जब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम वेयर डज ओवम इज रिलीज्ड। ओवम कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ओवम जो है वो रिलीज होते हैं ओवरी से, और इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू फ्रूड
एट विच एज चिल्ड्रन स्ट्रगल विद सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड अपोजिट सेक्स। देखो ये हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों को कहने का सेम वही स्टेज है। वहां पे हमको टर्म्स दे दिए थे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमको स्टेजेस दे दी हैं। तो ये भी हमारे क्या है, फ्रूट की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसमें बताया गया है कि जो चिल्ड्रेन हैं वो अपोजिट सेक्स के साथ, उनमें जो सेक्सुअल डिजायर्स आती हैं वो कौन सी स्टेज में आती हैं, तो वो आती हैं फैलिक स्टेज में। और इनको हम अगर टर्म्स के बारे में बात करें तो वहां पे दो टर्म होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स के लिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉयज के लिए। तो और कौन सी स्टेज है, तो ये होती है फैलिक स्टेज। इसका हम बोलें कि एज क्या होती है, तो एज होती है 3 to 5 ईयर्स। तो ये वाली प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। और ये क्लास आपको कैसे लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।